ओम शांति। हमारे बीच में भ्राता प्रोफेसर ओमकार चंद जी पहुंचे हैं। हम सब जोरदार कर ध्वनि से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और ब्रह्मा कुमारी बहनों से मैं निवेदन करता हूं कि आप भ्राता जी को बुके देकर के तिलक लगा करके उनको वेलकम करेंगे। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है बहुत ही सुंदर है, सक्सेस विदाउट स्ट्रेस। क्योंकि जीवन में हर कोई सक्सेस के लिए आगे भाग रहा है, परंतु सक्सेस के साथ साथ हमारा जीवन तनाव मुक्त कैसे हो, उस विषय पर हम सुनेंगे। और अभी मैं आदरणीय दीदी से अनुरोध करता हूँ कि आप भाई जी को बुके देकर के वेलकम करें। आप सब से मैं तो बहुत समय से परिचित हूँ और आप सबका भी परिचय उनसे कराना चाहता हूँ। हो सकता है आप में से कई उनके सेशंस किसी न किसी प्रोग्राम में अटेंड भी किए होंगे या ऑनलाइन कोई ना कोई उनका सेशन सुना होगा। तो बहुत ही यंग आयु से आप ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़े हुए हैं। आप सोच सकते हैं 13-14 वर्ष की छोटी आयु 1993 से, तो ऑलमोस्ट लगभग 30 वर्षों से आप ब्रह्मा कुमारी से रेगुलर रूप से जुड़े हुए हैं। इस ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके और वर्तमान समय आप ब्रह्मा कुमारी के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू में सेवारत हैं और संपूर्ण रूप से अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया हुआ है। बाय प्रोफेशन आप इंजीनियर हैं। आपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र से अपनी बीटेक की इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की। उसके बाद आपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग एंड रिसर्च फाउंडेशन से अपनी मास्टर्स डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कम्प्लीट की। और उसके बाद आपने लगभग 14 वर्षों तक इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर एज ए प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर आपने वहां पर अपनी सेवाएं दी। और इसके साथ साथ अपना जो पीस ऑफ माइंड चैनल है, अवेकनिंग टीवी चैनल है, तो उसमें भी लगभग आपके 35 एपिसोड्स जिंदगी बने आसान इस विषय पर पब्लिश टेलीकास्ट हुए हैं। और साथ साथ आपने स्वयं भी अनेक डॉक्यूमेंट्रीज पीस ऑफ माइंड टीवी पे उनका निर्देशन किया है। इसके साथ साथ पिछले लगभग 10 वर्षों से आप संपूर्ण रूप से अपना जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित करके और वर्तमान समय हेडक्वार्टर में आप रहते हैं। साथ ही साथ हमारी जो एक हेडक्वार्टर से मंथली मैगजीन निकलती है वर्ल्ड रिन्यूअल, उसके आप को एडिटर भी हैं। आपका बायोडाटा बहुत लंबा है लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ
कि आपने 600 से अधिक सेशंस कराए हैं अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में या फिर पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेट्स में, और रिसेंटली अपना पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया में भी आपने एज ए कीनोट स्पीकर अपनी स्पीच दी। इसके साथ साथ बहुत सारी जो रेप्यूटेड PSUs हैं, मारुति, होंडा, LNT आदि अनेक कॉर्पोरेट्स में 600 से भी ज़्यादा आपने सेमिनार्स, लेक्चर्स या अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया है, और वर्तमान समय आप बहुत ही सुंदर रीति से राजयोग शिविर, हैप्पीनेस और मेडिटेशन शिविर्स का कंडक्ट करते हैं। तो इस सीरीज में लगभग 25 स्थानों पर आप अभी तक ये शिविर कंडक्ट करा चुके हैं, और साथ ही साथ अनेक टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में, रोटरी क्लब में, सोशल क्लब में, लायंस क्लब में आदि अनेक स्थानों पर आपने अपने लेक्चर्स दिए हैं। और आपके जो बहुत फेवरेट विषय हैं, हार्मनी इन रिलेशनशिप या फिर स्ट्रेस फ्री लिविंग, और जैसे आज का सब्जेक्ट है सक्सेस विदाउट स्ट्रेस, हाउ टू बिकम अ केयरिंग, शेयरिंग एंड इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, टीम बिल्डिंग आदि आदि अनेक विषयों पर आपने अनेक जगह पर इस तरह के सेशन कराए हैं। तो आज हम सब का सौभाग्य है जो भ्राता ओंकार जी हमारे बीच में समय निकाल करके पहुंचे हैं, क्योंकि अभी भी आप तो शिविर करा करके आ रहे हैं और सीधे ही शिविर पूरा होने के बाद, सुबह की क्लास कराने के बाद यहाँ पहुंचे हैं, शाम को फिर से आपका शिविर का सेशन होना है। तो हम सब पुनः जोरदार कर्तव्य ध्वनि से आपका पुनः अभिनंदन करते हैं, और आज का जितना सुंदर विषय है उतने ही अच्छे स्पीकर आज हमारे बीच में हैं। तो आज के विषय में आप सबको बहुत सुंदर टिप्स मिलेंगी, क्योंकि हम सब चाहते हैं जीवन में सफलता पाना, लेकिन सफलता को भी कई बार व्यक्ति क्या करता है, तनाव का पर्यायवाची मान लेता है कि जीवन में जितना तनाव होगा उतने ही ज्यादा हम सफल होंगे, लेकिन तनाव के बिना भी हम सफलता के पायदान पे आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के सेशन से मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सुंदर सुंदर टिप्स आपको मिलेंगी, उनको अपने जीवन में आप लाएंगे तो आपको उससे बहुत लाभ मिलेगा। तो अधिक समय न लेकर के मैं भ्राता जी से निवेदन करता हूँ कि आज के सेशन पे वो अपने विचार हम सबके बीच में रखें। ओके, ओम शांति, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, कामयाब होना चाहते हैं या हैं, सक्सेसफुल हैं या होना है? जो कहते हैं हम ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं वो हाथ खड़ा करो। अच्छा ठीक है, जो होना चाहते हैं ठीक, दोनों तरह के। तो आज का जो टॉपिक रखा है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि सक्सेस भी मिले पर टेंशन भी ना हो। लोग कहते हैं बिना टेंशन के तो कुछ काम हो ही नहीं सकता, जो भी करेंगे एग्जाम देना है तो टेंशन, जो भी काम करें हर जगह टेंशन तो है ही है। और एक हम हैं जो कहते हैं कि टेंशन के बिना भी हम कामयाब हो सकते हैं, और असली सक्सेस वही है जो विदाउट स्ट्रेस हो। अगर आप स्ट्रेसफुल हो गए और साथ में आप थोड़े बहुत कामयाब भी हो गए तो वो कामयाबी नहीं है। दुनिया में माना जाता है द मोर द थिंग्स यू हैव द मोर यू आर सक्सेसफुल। जितनी ज़्यादा चीज़ें, जितनी ज़्यादा डिग्रीज, जितने ज़्यादा स्टेटस, जितनी ज़्यादा पैसा आपके पास है तो मतलब आप ज़्यादा कामयाब हैं। क्या ऐसा है?
क्या पैसे को कामयाबी का पैमाना समझना चाहिए? क्या भौतिक विकास को मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस को ही सक्सेस कहा जाता है, या वो सक्सेस का एक पैरामीटर है? एक पैरामीटर है। तो फिर सक्सेस क्या है? हर आदमी के लिए सक्सेस की अलग डेफिनेशन है। कोई क्रिकेट का प्लेयर है, उसके लिए सक्सेस ये है कि जब मैच हो, कल वर्ल्ड कप था, कि वो उसमें अच्छे रन बनाकर अच्छी परफॉर्मेंस देके मैच को जीते। एक डॉक्टर के लिए सक्सेस ये है कि वो अपने पेशेंट का इलाज कर सके, उसे बचा सके। एक बिजनेसमैन के लिए ज़्यादा प्रॉफिट कमाना सक्सेस है। हर एक के लिए अलग अलग सक्सेस है। कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल है, उसके लिए सक्सेस का पैमाना अलग है। अब हमारे लिए क्या पैमाना है? हमारे लिए कामयाबी की डेफिनेशन क्या है? टू अचीव अवर गोल विदाउट वायलेटिंग द राइट्स ऑफ अदर्स। अगर हम अपने ध्येय में, उद्देश्य में, पर्पस में बिना किसी को नुकसान पहुंचाए कामयाब होते हैं, तो उसे क्या क्या कहेंगे कि हम कामयाब हुए? आज की दुनिया में लोग कामयाब होते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, बाहर की प्रोग्रेस में, पैसा कमाने में, साइंस की लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने में कामयाब होते हैं। पर पैसा कमा लिया, बट अबाउट योर रिलेशंस, बट अबाउट योर हेल्थ? अगर पैसा है पर रिस्पेक्ट नहीं है सोसाइटी में, सेहत अच्छी नहीं है, तो क्या उसे कामयाबी कहा जाएगा? कहा जाएगा? फिर कामयाबी क्या है? किसे कामयाबी कहेंगे? जब आपको भी लगे, आपके परिवार वालों को भी लगे, आपके आसपास के सभी लोगों को लगे कि इनका समाज में, परिवार में होना बड़ा जरूरी है, जब लोग समझे कि इनके बिना काम नहीं चलेगा, ये बड़े इम्पोर्टेंट आदमी हैं, तो उसे कामयाबी कहेंगे? कहते हैं जब पैदा हुए थे तो क्या होता था, रोते हुए आए थे या हंसते हुए? ये इको तो नहीं कर रही आवाज। जब पैदा हुए थे तो हम रोते हुए आए थे या हंसते हुए? रोते हुए। लेकिन जब इस जग से जाएं, ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए, लोगों की आंखों में आंसू आपके लिए हो, तो कामयाबी उसे कहेंगे। आप हंसते हुए जाएं कि हमने बड़े नेक कर्म किए, लोगों को सुख दिया, लोगों पे काम आए, और लोग आपकी कमी महसूस करें कि भाई एक इम्पॉर्टेंट आदमी हमारे बीच से चला गया, उनकी कमी को भरना बड़ा मुश्किल है, तो पता चलेगा आप कितने कामयाब हैं। एंड पे पता चलेगा ना, रिजल्ट तो एंड पे आएगा। अभी भी हम पूछ सकते हैं अपने आप से कि अभी अगर हम अपना शरीर छोड़ें तो लोग क्या कहेंगे? अच्छा हुआ गया, बड़ा तंग करके रखा हुआ था इस आदमी, या ये कहेंगे कि इनका होना बड़ा जरूरी था? क्या कहेंगे? उसे कामयाबी का पैमाना मानते। चार तरह की सक्सेस मानी गई है। केवल एक सक्सेस नहीं है जिसको हमने सक्सेस मान लिया, केवल फिजिकल सक्सेस। फिजिकल सक्सेस है जो भी हम रोटी, कपड़ा, मकान, रोजी रोटी के लिए करते हैं, प्रोफेशनल सक्सेस जिसे कहते हैं, उसके पीछे सारे सवेरे से शाम तक भागते रहते हैं, पर वो एक पैरामीटर है, एक कंपोनेंट है सक्सेस का। सक्सेस इज ए होलिस्टिक टर्म, इसके चार कंपोनेंट हैं। सेकेंड तरह की सक्सेस है मेंटल सक्सेस। थर्ड तरह की सक्सेस है सोशल। और चौथी किस्म की सक्सेस है स्पिरिचुअल सक्सेस। फिजिकल मैंने बताया, टू लिव, जीना है,
तो खाना तो पड़ेगा, रहना भी पड़ेगा, वो हम सब करते हैं, अच्छी तरह से जानते भी हैं। दूसरी तरह की सक्सेस है मेंटल सक्सेस। मेंटल मींस हमारा माइंड, टू लर्न, चीज़ों को सीखना, जानना, अपनी मेंटल एबिलिटीज बढ़ाना, अपनी पीस ऑफ माइंड, माइंड में सेटिस्फेक्शन, वो भी जरूरी है। फिजिकल सक्सेस है टू लिव, मेंटल सक्सेस है टू लर्न, और थर्ड सक्सेस है सोशल सक्सेस, टू लव, कि हमें कोई प्यार करने वाला भी हो, अकेले तो जीवन नहीं बीतेगा ना। जिस समाज में हम रहें, लोग हमें एक्सेप्ट करें, लोग हमें रिकॉग्नाइज करें, लोगों से हमें रिस्पेक्ट मिले, कॉपरेशन मिले, वो भी एक सक्सेस है। आपके पास दुनिया भर का पैसा है पर समाज में कोई आपको पूछता नहीं, तो वो कामयाबी हुई, वो भी नहीं हुई। और चौथी किस्म की सक्सेस है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल सक्सेस, टू एनलाइटन, अपने अंदर सेवन कोर वैल्यूज जो हमारी सोल की है, पीस, हैप्पीनेस, ब्लिस, पावर, नॉलेज, प्योरिटी, ये सेवन क्वालिटीज जो आत्मा की हैं, उनको अपने अंदर डिवेलप करना ही आध्यात्मिक कामयाबी है। आध्यात्मिकता का मतलब किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में माथा टेकना नहीं है, तीर्थ यात्राएं करना नहीं है। आध्यात्मिकता का मतलब अपने अंदर इन सात गुणों को लाना, शांति, प्रेम, दया, आनंद, खुशी, ये जिसके अंदर है वो आध्यात्मिक रूप से कामयाब है। अब चार तरह की कामयाबी है, अब हम कहाँ से शुरू करें? पहले फिजिकल से करें और फिजिकल पे ही एंड कर दें? आम आदमी अपना कैरियर कहाँ से स्टार्ट करता है? फिजिकल सक्सेस से, और एंड तक क्या करता रहता है? वहीं घूमता रहता है। अब हमने अगर कामयाब होना है तो कहाँ से स्टार्ट करें जर्नी? चारों की पैरेलल करनी पड़ेगी, साथ साथ करना पड़ेगा ना। ये तो नहीं कि एक को कर लिया फिर दूसरे को करेंगे फिर तीसरे को करेंगे। और चौथी सक्सेस के लिए तो हम टाइम ही नहीं देते स्पिरिचुअल सक्सेस के लिए। हमें लगता है ये तो रिटायरमेंट के बाद, जब बूढ़े हो जाएंगे, जब हाथ पैर चलने बंद हो जाएंगे, जब घर में कोई हमारी बात नहीं सुनेगा, तो हम स्पिरिचुअल बनेंगे। तो स्पिरिचुअल सक्सेस के लिए हमें कब से स्टार्टिंग करनी होगी? अभी से या द एंड पे? जब सारे एग्जाम दे दो फिर हम तैयारी करना शुरू करें एग्जाम की, या एग्जाम से पहले ही प्रेपरेशन करनी पड़ेगी? तो लाइफ के एग्जाम कब आते हैं? हर स्टेप पे आते हैं ना। ये तो नहीं कि बुढ़ापे में ही एग्जाम होंगे। जिंदगी एक इम्तिहान है, तो हर मोड़ पे इम्तिहान है ना। तो इम्तिहान में कौन मदद करेगा? स्पिरिचुअलिटी। और उसके लिए हम कहते हैं अभी हमारे पास टाइम ही नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट सक्सेस चारों में से है स्पिरिचुअल सक्सेस। अगर हमारे पास फिजिकल सक्सेस है, गारंटी नहीं है मेंटल सोशल सक्सेस की। लेकिन अगर स्पिरिचुअल सक्सेस है, जिस व्यक्ति के अंदर खुशी भरी होगी, आनंद होगा, शांति होगी, ज्ञान होगा, क्या उसको लोग इज्जत देंगे या नहीं देंगे? समाज में रिकॉग्निशन मिलेगी? मेंटल लेवल पे उसके शांति होगी, कंटेंटमेंट होगी? और ऐसे व्यक्ति को अच्छी से अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो फिजिकल सक्सेस भी मिल जाएगी, मेंटल भी और सोशल भी। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस सक्सेस को हम टोटली इग्नोर करते आए आज तक, वो है स्पिरिचुअल सक्सेस। अपने आप को चार्ज करना, अपनी बैटरी की चार्जिंग करना, माइंड की बैटरी की, सोल की बैटरी की, और वो इग्नोर की तो सब कुछ इग्नोर है। सक्सेस का मतलब है द मोर यू हैव हैप्पीनेस, द मोर यू हैव कंटेंटमेंट, द मोर यू हैव पीस ऑफ माइंड, दैट मीन्स यू आर सक्सेसफुल। आपने कितने पैसे जीवन में कमाए वो कामयाबी का पैमाना नहीं है।
कामयाबी का पैमाना है कैसे कमाए, किन तरीकों को यूज करके कमाए, दूसरों को सुख देके कमाए, दूसरों को दूसरों का भला करके कमाए, अपने प्रॉफिट से पहले सामने वाले के प्रॉफिट पे ध्यान दिया, कैसे कमाए, या जहां हम पैसे कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लोगों पर चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, हमारी वजह से लोगों की नींद हराम हुई पड़ी है, इतना डरा के रखा है, और हम कहते जी हम इस शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। अमीर हो सकते हैं पर कामयाब, कामयाब तो तब हैं जब आपके साथ काम करने वाले, जो आपके पास काम करते हैं या जिनके पास आप काम करते हैं, वो सर्टिफिकेट दें कि ये अच्छा आदमी, ये अपने आराम से पहले दूसरे के आराम का ध्यान देता है, ये व्यक्ति दूसरे के सुख के लिए काम करता है, तो वो पैसा आपको बरकत देगा, वो पैसा आपको रियल कामयाबी देगा, उससे आपके सेहत भी अच्छी होगी। जो दुआओं से धन कमाया होगा वो घर में तरक्की लाएगा, बरकत लाएगा, घर का भाग्य जगाएगा, और जो दूसरे तरीके से पैसा अगर घर में आ रहा होगा वो आपका और आपके घर के भाग्य को खराब करेगा। इसलिए ऐसा पैसा कभी घर में स्वीकार नहीं करना चाहिए जो गलत तरीकों से आया हुआ हो। धन केवल दुआओं के साथ आए, थोड़ा आए लेकिन बरकत देने वाला होगा, और वो आपको खुशी शांति देगा, वो आपको असली रूप से कामयाब बनाएगा। नहीं तो बड़े बड़े लोगों में आपका नाम आ भी जाए कि आप भी बहुत बड़े आदमी हैं, सेठ हैं, सेठ धनपत राय, तो धनपत राय को बीमारियां 10 लगी हुई, डॉक्टर ने कह दिया कि अब उबला हुआ खाया कर बेटा, अगर जिंदा रहना है वो चाहे तो सारे दुनिया के पकवान बना मंगवा ले खाने के लिए, बंगाली रसगुल्ले की दुकान में जाके सारे रसगुल्ले खा ले, पर डॉक्टर ने कहा रसगुल्ले को हाथ देखना भी नहीं उसकी तरफ, उससे अच्छा तो उसका ड्राइवर है जो कार से उतरता है और 2 किलो रसगुल्ले ले आता है। पर सेठ जी, सेठ जी के भाग्य में नहीं, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक चीज के पीछे, एक चीज तो हासिल कर ली लाइफ में, दूसरी चीजों को इग्नोर कर दिया आपने, अपनी हेल्थ से कंप्रोमाइज कर लिया, आपके बेटा ही कहना नहीं मानता, आप कमाई जा रहे हैं बेटा उड़ाई जा रहा है, तो उस पैसे का क्या मतलब। तो धन में, धन आए घर में, कितना आए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो आए सही तरीके से आए, दुआओं से कमाया हुआ धन आए, दुआओं में बड़ी ताकत है, असंभव को संभव कर देती है, बड़े से बड़े विघ्न नष्ट हो जाते हैं जिस घर में दुआएं होती हैं, ब्लेसिंग्स होती हैं, और बड़ी से बड़ी बात ऐसे चली जाती है जैसे कि कोई वो बात है ही नहीं। आपने देखा होगा कई बार बड़े धनवान लोग हैं, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, लेकिन डॉक्टर कहता अब कुछ नहीं हो सकता, इलाज ही नहीं, क्योंकि दुआएं नहीं है, पुण्य का कर्म नहीं, पुण्य कर्मों की पूंजी नहीं है, और एक साधारण व्यक्ति है, गरीब है, पर उसने दुआएं ब्लेसिंग्स इकट्ठी की हुई है, उसके पास पैसे नहीं है इलाज के लिए, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति उसकी मदद कर देता है और उसका इलाज हो जाता है और वो बच जाता है, यहाँ तक कि वो सिंपल सी डिस्पेंसरी में जाके भी बच जाता है। और एक बड़ा आदमी है वो अपोलो हॉस्पिटल में जाके, मेदांता में जाके भी बच के नहीं आता, और वो साधारण जगह से भी बच जाता है, लोग कहते चमत्कार हो गया, वो चमत्कार उसकी दुआओं का है। इसलिए कामयाब होना है तो मैं धन की बात अभी पहले ले बैठा, तो धन हमारे घर में सही ढंग से आना चाहिए, प्योर मनी, सात्विक धन आना चाहिए। धन सही होगा तो धन का असर आपके अन्न पर पड़ेगा, क्योंकि धन से ही तो अन्न खरीदा जाएगा,
अगर धन गलत तरीके से कमाया होगा तो अन्न भी दूषित ही घर में आएगा, और अन्न खराब है तो अन्न से क्या बनता है, मन बनता है, तो मन भी दूषित होगा। मन में शांति होगी या नहीं होगी बताओ, मन में शांति नहीं होगी, और मन से फिर तन बनता है, शरीर भी स्वस्थ नहीं होगा। तो इसलिए कामयाब होने के लिए धन की प्योरिटी पे भी हम ध्यान दें, धन कैसा हो। एक चीज और आपको बताते हैं, जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उन्होंने जो सक्सेस प्राप्त की, उनकी स्टोरी इज ए स्टोरी ऑफ ग्रेट फेलियर। एवरी सक्सेस स्टोरी इज स्टोरी ऑफ ग्रेट फेलियर। कभी भी आप कुछ करो तो असफलता से डरो मत। असफलता सफलता की ओर जाने वाला रास्ता असफलता के घने जंगलों से होकर गुजरता है। उसे क्रॉस करना मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कामयाब हुआ हो और उसने फेलियर्स का, डिफीट का स्वाद ना चखा हो। फेलियर्स आर द हाई वे टू सक्सेस। इसलिए कभी ये ना सोचो कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, एक बार में ही सब कुछ हो जाएगा। नहीं, यू शुड हैव पेशेंस, धीरज रखना पड़ेगा। एक बार अटेम्प्ट, दो बार अटेम्प्ट, तीन बार अटेम्प्ट, जब तक हो ना जाए लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो का फार्मूला याद रखना पड़ेगा ना। इसलिए किसी ने कहा, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट लगे रहो, छोड़ो मत। इसने छोड़ दिया, गिव अप कर दिया, कहानी खत्म। और जो लगा रहा वो तो कभी ना कभी तो कामयाबी आपके कदमों को चूमेगी। अब मैं आपको ऐसे तीन चार एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे लोग दुनिया में, जो बड़े महान लोग हुए, उन्होंने भी पहले ही अटेम्प्ट में बहुत बड़े कामयाबी हासिल नहीं लगी, बहुत बार नाकामयाबी हुई उनके साथ। एक नौजवान था, 21 साल की उम्र में उसने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में घाटा हो गया। 22 साल की उम्र में उसने लेजिस्लेटिव इलेक्शन लड़ा, डिफीट हो गई। 24 साल की उम्र में दोबारा बिजनेस किया, फिर हार गया, फिर दिवाला निकल गया। 25 साल की उम्र में उसकी स्वीट हार्ट छोड़ के चली गई। 27 साल में उसका अपना ही मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। 34 की एज में उसने वहाँ की सीनेट का इलेक्शन लड़ा, वो भी हार गया। 45 की उम्र में वहाँ की कांग्रेस का इलेक्शन लड़ा, उसमें भी हार गया। 47 की उम्र में उसने अपने कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, वो भी हार गया। 52 की उम्र में उसने वहाँ के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा और वो जीत गया। वो कौन था? इब्राहिम लिंकन, 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। सारी उम्र फेल्ड स्टोरी, फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी। 8 बार इलेक्शन हारा, 2 बार बिजनेस में दिवाला निकला, लेकिन लगा रहा और लास्ट में क्या बना? यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट बन गया। तो आप में से है कोई इब्राहिम लिंकन? कोई है आप में से यहाँ कोई इब्राहिम लिंकन बैठा हुआ जो कहे जी मेरे साथ इतनी बार हार हुई है? हम तो एक हार एक बार देखते हैं, दो बार देखते हैं, फिर कहते छोड़ो मेरे से नहीं होता। लेकिन छोड़ने वाले महान नहीं बनते, बस लगे रहो, पकड़ के रखो, करते रहो, कभी ना कभी तो कामयाबी मिलेगी। हार से घबराना नहीं है। कहते अगर मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। बस ठान लेनी है हमने।
इसलिए बड़ी अच्छी बात किसने कही कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। तूफान से ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तालियां बजा दिया करो। दो चीजों पे टैक्स नहीं है, एक मुस्कुराने पे, एक ताली बजाने पे। एक हमारे डॉक्टर हैं, उनका नाम ही ताली राम है, वो तो तालियां बड़ी बजवाते हैं, क्योंकि उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है, एक्यूप्रेशर भी हो जाता है। मैं भी कई जगह एक्सरसाइज करवाता हूँ तो तालियां जरूर बजवाता हूँ, उसमें क्लैपिंग की भी एक्सरसाइजेज होती है। तो ये बात है कामयाबी के ऊपर। जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, थॉमस एडिसन का नाम किस किसने सुना? सबने सुना है। ये जो बल्ब चमक रहे हैं, ये किसने इन्वेंट किए? थॉमस एडिसन ने। 1064 पेटेंट कराए थे उसने, इतनी इन्वेंशन की हुई है एक साइंटिस्ट ने। लेकिन वो बचपन में बिल्कुल डफर था, उसको सुनाई भी नहीं देता था। टीचर ने नोट भेजा कि इसको हम नहीं पढ़ा सकते। उसकी माँ ने कहा मैं पढ़ाऊंगी, तुम नहीं पढ़ाते, मैं पढ़ाऊंगी, मैं ऐसे बड़ा आदमी बनाऊंगी। उसकी माँ ने उसको पढ़ाया, उसकी स्कूलिंग भी प्रॉपर नहीं हुई थी, और वो बाद में इतना बड़ा साइंटिस्ट बन गया। उस साइंटिस्ट की लाइफ से सीखने वाली बात है, कहते हैं 1000 बार उसने एक्सपेरिमेंट किए बिजली के बल्ब को बनाने के, लगा रहा, जो मैं कह रहा हूँ कि लगे रहो। उसके साथी सारे भाग गए कि ये अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, हमारी भी कर रहा है, टाइम भी वेस्ट कर रहा है, कुछ नहीं मिलने वाला, चले गए। पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। रिजल्ट क्या हुआ? 1000वीं बार जब उसने किया, 999 फेलियर थे, 1000वीं बार जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो बिजली का बल्ब ग्लो कर गया और उसको वो फिलामेंट मिल गया जिससे बिजली का बल्ब बन सकता था। उसने कहा, जब उसको कामयाबी नहीं मिल रही थी, कोई बात नहीं कि मुझे कामयाबी नहीं मिली, मैंने 999 टाइम एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, लेकिन मैं फेलियर नहीं है, मेरी कामयाबी है कि मुझे पता चल गया है कि बिजली का बल्ब 999 चीजों से नहीं बन सकता, 999 तरीकों से बिजली का बल्ब नहीं बन सकता, इतना तो मुझे पता चल गया। किससे बनता है ये पता नहीं, पर किससे नहीं बनता इतना तो पता चला। तो ये उसको अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए वो सोचा करता। अब उस ग्रेट साइंटिस्ट की बात सुनिए, 1914 जब वो 67 ईयर्स का था, तो क्या हुआ कि उसने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रखी थी, अचानक वहाँ ब्लास्ट होता है, आग लग जाती है, सारी की सारी मेहनत सब कुछ जल जाता है, पर वो निराश नहीं होता। वो कहता है देयर इज ग्रेट वैल्यू इन डिजास्टर, All our mistakes are burnt up. Thanks God, we can start a new. आग लगी, डिजास्टर हुआ, सारी गलतियां मेरी जीवन की जल गई, अब मैं नए तरीके से शुरू करूंगा भगवान, पुरानी जल गई तो जलने दो। हम में से कोई सोच सकता है ऐसा? उसके 3 वीक बाद, इस घटना के 3 सप्ताह के बाद, उस साइंटिस्ट ने फोनोग्राफ की इन्वेंशन की, लगा रहा अपने काम पे। आग लगती है तो लगने दो, लक्ष्य के ऊपर केंद्रित होना, मुझे करना क्या है। वही व्यक्ति कामयाब होता है जो फोकस्ड होता है, जिसकी नजर निशाने पे रहती है, जो केवल क्या देखता है। अर्जुन को क्या दिखता था? आंख, पीड़िया की भी आंख,
बाकियों को क्या नजर आता रहा, किसी को पेड़ नजर आ रहा है, किसी को बादल नजर आए, किसी को पेड़ों के पत्ते नजर आ रहे हैं, लेकिन अर्जुन को क्या दिखा, जहां निशाना लगाना है, इसे कहते हैं फोकस्ड अप्रोच। और उसके लिए लक्ष्य निर्धारित करना, गोल सेटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कहते हैं मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। लक्ष्य होना बड़ा जरूरी है, एक बार सेट कर लिया, पहुंचे ना पहुंचे अगली बात, पर अगर गोल ही नहीं सेट नहीं है तो सक्सेस क्या मिलेगी। पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए मुझे करना क्या है जीवन में, क्या बनना है जीवन में। चार तरह के गोल आपको सेट करने पड़ेंगे चार तरह की सक्सेस को प्राप्त करने के लिए, और चार तरह के वो गोल आपकी टेबल की कुर्सी की चार टांगे हैं, कार के चार पहिए हैं, सब में बराबर की हवा होनी चाहिए। अगर एक में कम ज्यादा हुई तो गाड़ी चलने वाली नहीं है। तो कामयाबी के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जिसके बिना सक्सेस मिल ही नहीं सकती, वो है आपकी गोल सेटिंग। आप में से किसी ने गलती की है कि बस में बैठ गए और स्टेशन डिसाइड ना किया हो, ट्रेन में बैठ गए कहाँ जाना है कुछ पता नहीं, कंडक्टर आए कहाँ जाना है कि जहां बस जा रही है, जहां बस जा रही है घुमाते रहो मुझे, अब पता नहीं यहाँ वो बस चलती है, पहले एक मुद्रिका बस चलती थी वो घूमती रहती थी गोल रिंग रोड पे, एंड तो है ही नहीं कहीं, तो उस बस पे बैठ जाओ, लेकिन वहां भी कंडक्टर पूछेगा भाई सवेरे से बैठा हुआ है पूरा राउंड लगा लिया अब उतरना नहीं है क्या। तो हम में से ये गलती उस मुसाफरी में कोई नहीं करता कि स्टेशन डिसाइड किए बिना ही बैठ गए, पर इस लाइफ का जो ये 80-90-100 साल की मुसाफरी है, इसका कितनों ने गोल सेट किया है कि हमें यहाँ क्या बनना है। खाया पिए सो गए, फिर उठे खाया पिया सो गए, ये कोई जीवन थोड़ी है, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। हम तो इंसान जो सब 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे कहते हैं ना हम सबसे ऊंचे हैं, क्या पता जानवर भी अपने आप को ऊंचे समझते हैं, हमें क्या पता, पर हम कहते हैं हम सबसे ऊंचे हैं। शेर कहता होगा जी मैं ही ऊंचा हूं, तो अगर हम कहते हैं तो फिर हमें गोल तो सेट करना पड़ेगा ना कि हम लाइफ में आए क्यों हैं। केवल कुछ बन गए, कुछ पैसे कमा लिए, खा पी लिया, यही लाइफ नहीं है। तो गोल सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार कहीं इंटरव्यू चल रहा था, पैनल बैठा था सामने, इंटरव्यू में कैंडिडेट से पूछा पैनल ने कि व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ, तो जो इंटरव्यू दे रहा था उसने कहा सर जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं उसी कुर्सी पे बैठना मेरे जीवन का उद्देश्य है। वो घबरा गया जो बैठा था, कहता जी मैं कहाँ बैठूंगा फिर, वो कहता सर आपने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, आप यहां तो हैं ही, ये कोई लक्ष्य थोड़ी है, अब आगे क्या करना है आपके पास कोई और लक्ष्य नहीं है। तो हर एक को लक्ष्य रखना चाहिए, किसी भी उम्र में हम किसी भी उम्र में बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, उम्र का कोई वो नहीं है, आपके पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। सक्सेस के लिए डिटर्मिनेशन पावर, विल पावर भी बड़ी जरूरी है। डू एंड डाई, ये अप्रोच चाहिए कि करना ही है, जब तक मंजिल मिल ना जाए तब तक हमने पीछे नहीं हटना है, हौसला अपना बना के रखना है। जब टूटने लगे हौसला तो बस यही याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो यही याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरों में अपनी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते।
कोई आपको सपोर्ट करे या ना करे, आप जुगनू बनकर चमकते रहना, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। गोल सेट करने के बाद फिर आपको अपना रोल भी सेट करना पड़ेगा। गोल तो हो गया, पर मेरा रोल क्या है? रोल भी तो इंपॉर्टेंट है ना। उसके लिए बिलीव सिस्टम बड़ा पॉजिटिव चाहिए। अगर आपने सोचा यस आई कैन डू इट, तो वो चीज आपके कदमों में होगी। और अगर आपने डाउट किया कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, आपने बड़ा ऊंचा लक्ष्य मन में रख लिया कि मुझे ये करना है ये करना है, लोग आपको कहेंगे भैया तेरे बस की बात नहीं है, कहाँ फंस गया। पब्लिक ओपिनियन आपको डाउन ना कर दे, उसके लिए आपको अपने अंदर पॉजिटिव अफर्मेशंस भरने पड़ेंगे, सोमान जिसे कहते हैं, पॉजिटिव थॉट माइंड में डालने पड़ेंगे, ताकि आप हर हाल में पॉजिटिव बिलीव सिस्टम आपका बना रहे। और बिलीव जो जिस चीज को आप बिलीव कर सकते हो उसको आप अचीव भी कर सकते हो। पहले तो बिलीव करना सीखना है। मान लो किसी ने डॉक्टर बनना है, तो उसको बिलीव करना पड़ेगा कि मैं हूं डॉक्टर, मैं बन सकता हूं। अगर थोड़ा सा भी डाउट आया, मिस्टर डाउट आया, तो नहीं बनेंगे। डाउट इज द वायरस। कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो कंप्यूटर काम करता है, बॉडी में वायरस आ जाए कोरोना तो बॉडी काम तो क्या अलग ही हो जाती है आत्मा से। तो वायरस को हटाना है, डाउट का वायरस, अपने अंदर विश्वास पैदा करना है। कर सकते हैं विश्वास? है आपको अपने ऊपर विश्वास पक्का? चलो परखते हैं। आज के लोग किस किस चीज पे विश्वास करते हैं पता है आपको? कोई विश्वास कर रहा है सूरज पे, कोई कर रहा है चांद पे, कोई ग्रहों पे, कोई नक्षत्रों पे, कोई प्लैनेट्स पे, कोई पेड़ पौधों पे, कोई पानी पे, कोई पत्थरों पे, कोई अंगूठियों पे, कोई धागों पे। कोई लाल धागा पहन रहा है, कोई काला धागा पहन रहा है, ये इन चीजों के ऊपर हम क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि हम अपने पर विश्वास करना नहीं जानते। जिस दिन आप अपने ऊपर आपको विश्वास हो जाएगा और अपने उस परमात्मा के ऊपर विश्वास हो जाएगा, इन चीजों पे विश्वास करने का कोई मायना ही नहीं रहेगा। खुद पर हो विश्वास और खुदा पे हो आस्था, मंजिल मिल ही जाएगी, चाहे कितना भी कठिन हो रास्ता। अपने ऊपर बिलीव जगाना है, यस आई कैन डू इट। एक छोटी सी एक्सरसाइज करो, हाथ ऊपर कर लो, गहरा सांस लेते हुए इतना ऊपर कर लो कि छू लो आसमान। अब इस हाथ को मोल्ड कर लो 180 डिग्री, कोहनी से मोड़ते हुए नीचे अपनी पीठ पे ले जाओ और तीन बार मेरे साथ बोलो शाबाश शाबाश शाबाश। तुम लाखों में एक हो, तुम यूनिक हो, यू आर डिफरेंट, यू आर स्मार्ट, यू आर ऑलरेडी ब्यूटीफुल, यू आर द रियल हीरो, आई लव यू, आई लाइक यू, गॉड लव्स यू। तुम एक दिन बहुत बड़ा काम करोगे, तुम अपने परिवार देश का नाम रोशन करोगे, एक दिन तुम इतिहास रचोगे, तुम्हें खास मकसद के लिए दुनिया में भेजा गया है, भगवान भी तुमसे प्यार करता है। शाबाश, लगे रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू थैंक यू। हर रोज खुद को अपनी फीट खुद थपथपाओ, अपने सेल्फ एस्टीम में रहो। आपको किसी चीज के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आत्मा की ताकत, माइंड की ताकत, दुनिया की जितनी भी ताकतें हैं वो सबसे बड़ी है। और उस ताकत में अगर परमात्मा की ताकत भी जुड़ जाए तो आप दुनिया में मुकद्दर के सिकंदर हैं। हर चीज आपको हासिल होगी। केवल अपने पर विश्वास, मैं कर सकता हूं।
उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए। हर रोज पॉजिटिव प्रोग्राम अपने माइंड में डालो कि मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैं कर सकता हूँ, भगवान मेरे साथ है, गॉड इज विद मी, हु कैन बी अगेंस्ट। हो सकता है फानुस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा तवा करे, वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। खुदा को अपना साथी बना लो, यही तो हम ब्रह्मा कुमारी में कहते हैं, भगवान को अपने साथ रखो, भगवान के प्यार में डूब जाओ, हर चीज उससे पूछ के करो, उससे शेयर करो। मेडिटेशन में यही तो किया जाता है, मेडिटेशन में हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं। आजकल किसी से भी पूछो ना क्या कर रहा है, कहता जी मैं कोडिंग सीख रहा हूँ। मैं कह ये कोडिंग क्या चीज़ है भाई, अब पता चला है वो कोडिंग माइंड की जिसने सीखी ना वो कामयाब है, वो तो कंप्यूटर की कोडिंग सीखते हैं, कोडिंग करते हैं फिर डिकोडिंग करते हैं। हमारे पास माइंड की कोडिंग है, माइंड की प्रोग्रामिंग है। माइंड में अच्छे अच्छे थॉट्स डालो, जो टेंशन की भी आज टॉपिक है ना कि सक्सेस तो मिले पर स्ट्रेस ना हो, तो टेंशन फ्री लाइफ के लिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए एक प्रोग्राम मैं आपके माइंड में डालता हूँ, और वो प्रोग्राम है आप सोचो, क्योंकि आपको चिंता होती है ना, हमारा पता नहीं क्या होगा कल को, हमारे बच्चों का क्या होगा, कहीं नौकरी ना चली जाए, कहीं हमारे संबंधी हमारा साथ ना छोड़ दे, कहीं ये आफत ना आ जाए, कहीं वो आफत ना आ जाए, क्योंकि 21st century इज द एज ऑफ अनसर्टेनिटी, कुछ भी हो जाता है आज के दुनिया में, पता तो चलता नहीं, इसलिए हम घबराते रहते हैं, डरते रहते हैं। फियर हमें टेंशन फ्री रहने नहीं देता, ऑलवेज इंसिक्योरिटी, उससे बचने का तरीका है जो यहाँ हम सब ब्रह्मा कुमारी में याद रखते हैं, आज के भी ईश्वरीय महावाक्यों में था, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा और अच्छा होगा, कुछ भी हो जाए बस ये सोचना है कि मेरा जो भी होगा अच्छा ही होगा। एक लाइन आपको टेंशन फ्री कर देगी और एवर, भगवान मेरे सिर पे हाथ रख के कह रहे हैं बेटा तेरा हमेशा अच्छा होगा। बस भगवान तो झूठ नहीं बोलेगा, तो बोलेगा उसने कह दिया आज से आपको, और जितनी इस लाइन को याद रखेंगे उतनी टेंशन फ्री रहेंगे। अगर भूल गए, भगवान का वरदान भूल जाए कोई, फिर थोड़ी एग्जीक्यूट होगा। वरदान को एग्जीक्यूट करने का एक ही तरीका है कि याद रखो कि मुझे शिव बाबा परमात्मा कह रहे हैं तुम्हारा जो होगा अच्छा ही होगा। कितनी भी बड़ी से बड़ी सिचुएशन लाइफ में आ जाए, परिस्थिति आ जाए, लेकिन उसमें ताकत नहीं है जितनी ताकत आपके अंदर है। आपने अपनी मन की स्थिति नहीं हिलानी है, बस कूल एंड काम रहना है। इसलिए किसी ने कहा मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। हम अपनी टेंशन खुद ही लेते रहते हैं, परमात्मा कहता सारे बोझ मुझे दे दो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। जब घर में कोई मुखिया हो, घर के दादाजी हैं, तो घर के बाकी लोगों को चिंता होती है, पता है दादाजी कहीं ना कहीं से कर देंगे, तो हमारे पिताजी दादाजी वो परमात्मा है, वो हैं हमारे साथ। फिर वो कहते हैं ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात, जिसका साथी है भगवान उसे क्या रोकेंगे आंधी और तूफान। तो भगवान को साथी बना लो, और वो तरीका राजयोग है। जो नए भाई बहने आए हैं तो राजयोग जरूर सीखें। तो 7 days कोर्स यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में कराते हैं मेडिटेशन का, उसको करने से आप मेडिटेशन की डेप्थ में जाएंगे और आपके अंदर पावर आएगी टेंशन फ्री रहने की।
जीवन की चुनौतियों का, चैलेंजेस का सामना करने की, चैलेंजेस से भागना नहीं है, प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन प्रॉब्लम्स का वेलकम करना है। वो प्रॉब्लम्स आपको पावरफुल बनाने के लिए आई है, वो प्रॉब्लम्स आपको आगे बढ़ाने के लिए आई है। डरना नहीं है उनसे। जितनी बड़ी प्रॉब्लम आपके जीवन में आ रही है इसका मतलब आप उतने ही बड़े व्यक्ति हैं। कई बार हम कहते हैं भगवान मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वाई मी, बाकियों के साथ कुछ नहीं होता, मेरे साथ ही सब गड़बड़ हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि प्रॉब्लम मेरे पास भगवान इसलिए भेजता है कि वो मुझे ताकतवर बना रही है चीज़ें। अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो, अगर नेगेटिव लेता हूँ तो फिर क्या होगा, फिर नुकसान होगा। बुरा वक्त सबका आता है, कोई बिखर जाता है तो कोई निसमर जाता है, निखर जाता है। इसके आधार पर, सोच के आधार पर। आप पॉजिटिव लो, ये बुरा वक्त नहीं है, ये मेरी परीक्षा है, मुझे इसमें पास होना है, ये मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है चीज़। जो जीवन में कुछ ऊपर नीचे होता है वो चीज़ें मुझे कोई पाठ पढ़ाने के लिए आई है, मुझे वो पाठ लेसन ले लेना है और आगे बढ़ जाना है, रुकना नहीं है। कामयाब लोग कभी रुकते नहीं है। सक्सेसफुल पीपल डू नॉट डू डिफरेंट वर्क, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। काम वही है, करने का तरीका अलग है। उसी काम को कामयाब व्यक्ति एक अलग अंदाज से करता है। वो ये नहीं कि बड़ा काम ढूंढोगे तभी बड़े बनोगे, छोटे छोटे कामों को भी आप अच्छे से करो वो भी आपको कामयाबी दिला देंगे। काम कभी बड़ा और छोटा नहीं होता, करने वाला उसे छोटा या बड़ा बना देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको कामयाबी भी दिलाएंगी, टेंशन फ्री भी रखेंगी। एक और बात से लेक्चर समाप्त करते हैं, वो बात ये है जो मेरे जीवन में बड़ी काम आती है कि कैसी भी परिस्थिति हो हमने अपने मन की स्थिति ठीक रखनी है, हमने मन को डिस्टर्ब नहीं करना है, स्टेबल रहना है। चाहे चीज़ें पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, हमारे हाथ में केवल कर्म है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। गीता का यही तो सार है ना, कर्मणे बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। फल सही आए तो भी स्वीकार करो, ना आए तो भी स्वीकार करो। उसके लिए चाहिए साक्षी दृष्टा, न्यूट्रल होके देखना, चीजों को साइलेंटली ऑब्जर्व करना। कैसे ऑब्जर्व करेंगे? जैसे एक नर्स करती है। एक डॉक्टर हॉस्पिटल में कितने पेशेंट आते हैं, अगर कोई बच जाए तो डॉक्टर लड्डू नहीं बांटने लग जाता कि बच गया जी, आज एक बचा बड़ा मुश्किल से। और मर जाए तो रोने नहीं लगता जोर जोर से, हाय मर गया। तो दोनों में एक जैसा रहता है, क्योंकि वो परिणाम, किसी भी कर्म का रिजल्ट उसको प्रभावित नहीं करता। तो हमें ऐसी अवस्था बनानी है, कुछ भी हो जाए, जो चाहा था वो मिले तो भी ठीक, जो चाहा नहीं था वो मिल गया तो भी, तेरे भाने सबका भला, कहते हैं ना गुरु ग्रंथ साहब में, जो हो जाए जो मिले उसको दिल से स्वीकार करो, ना शिकवे ना शिकायतें केवल शुक्रिया। कर सकते हैं? जो मिले दिल से स्वीकार, भगवान जो आपने चाहा और भगवान ने आपको नहीं दिया तो क्या समझना चाहिए? जो आपको अच्छा लगता है पर भगवान ने आपको नहीं दिया, उसमें भी कोई कल्याण है, उससे भी अच्छा कोई और मिलने वाला है। और भगवान वो नहीं देता जिस जो आपको अच्छा लगता है, भगवान वो देता है जिसमें आपका अच्छा होता है।
दोनों में डिफरेंस है ना, छोटे बच्चे मिट्टी बड़ी अच्छी लगती है उनको, और माँ बाप मिट्टी खाने देंगे उनको, रोकते हैं ना मत खाओ मिट्टी। बच्चे को क्या पता है मिट्टी नहीं, वो कहता जी मिट्टी दे दो, गुलाब जामुन क्या चीज है, मुझे क्या पता, मुझे तो मिट्टी भी अच्छी लगती है। पर माँ बाप को पता है क्या देना है, तो भगवान को भी पता है कौन सी चीज कब देनी है, कौन सी परिस्थितियों में हमें रखना है, सब उसे पता है। बस उस पे निश्चय रखो कि वो अपना बुरा नहीं होने देगा, अपना हमेशा अच्छा ही होना है। एक गुरु जी का एक चेला था, चेले ने समाचार दिया कि गुरु जी एक आदमी गांव से आया है, गाय लेके आया है आश्रम को। वो कहता जी गाय आप रखो आश्रम वालों। गुरु जी ने बड़ी खुशी से कहा ये तो अच्छी बात है, अब हम डेली ताजा दूध पिया करेंगे गाय का। एक महीना पीते रहे सारे दूध खुशी खुशी। एक महीने बाद चेला फिर आया गुरु जी के पास, कहते गुरु जी वो आदमी जिसने दी थी ना गाय वापस ले गया। गुरु जी ने कहा अच्छा, कहता फिर क्या बड़ी बात है, अब तुझे गोबर नहीं उठाना पड़ेगा। तो दोनों में खुश, इस बात में भी खुश, उस बात में भी खुश। तो ऐसी स्थिति हम बनाएं तब कहेंगे सक्सेस विदाउट स्ट्रेस। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। एक बार का सीख गया, सभी कौन सी बात सीखी, ताली बजी। ये तो आपने देरी नहीं लगाई सीखने में, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो बहुत कम समय में दो चार दिन पहले ही मालूम पड़ा, कुछ दिन पहले ही, तो आप सब बधाए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई जी तो बहुत जल्दी, क्योंकि अच्छा परिचय तो यही हुआ, वैसे तो बहुत बुरा था, ताली बजाओ। तो बाबा तो है ही खुशियों का सागर, मगर बाबा के बच्चे जो कंठे पे रहते हैं, वो जब बाबा के घर में आते हैं तो और ही क्या हो जाता है, खुशियों का भंडार मिल जाता है। तो आज सवेरे अमृत वेले के बाद जब रूम में गए तो यही सोच रहे थे कि अक्टूबर मास शायद हमारे लिए बहुत ही लकी है कि जब हॉल बना था तो भी सुदेश दी, अन्य भी प्रोग्राम जो ऐसे हुए तो अक्टूबर मास में सबका आना हुआ, राजू भाई आदि जो भी। तो मधुबन जब आता है तो अपनी खुशबू अलग से ही लाता है, नहीं? आप भले यूट्यूब पे भी सुनते होंगे, मगर जो सम्मुख सुनना है वो बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात क्या है, बाबा कहते हैं उनसे दृष्टि लेना, उनकी वो भावों को जानना, वो आप यूट्यूब पे नहीं जान सकते हो, सुन सकते हैं, पर जो शक्तियाँ लेना है सामने ही मिल सकती हैं। तो आपके लिए भी बहुत लकी है कि भाई जी आए और मधुबन का श्रृंगार कहेंगे आकर के, आप सबको कितने अच्छे टिप्स दिए, कैसे अपनी